भी एक बड़ा अच्छा। अभी हम लाइव तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो एक बिल्डिंग बनी थी और रोड के पास जो है अवैध तरीके से ये निर्माण किया जा रहा था, और जिसके बाद जो है यहाँ पानीपत का संगम आता है और यहाँ से जो है देख सकते हैं आप इसको तुड़वा के चला जाता है जी हाँ, क्योंकि इसकी वजह से जो है अतिकरण, जी हाँ अतिकरण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। आप इसे लाइव तस्वीरों में देख पाए। सिर्फ क्या कहना चाहोगे, आज देख सकते हैं इनका नाम जो है सिंघम के नाम से जो है पूरे पानीपत में फेमस हो चुका है, ऐसा क्या काम करा सर, आपको क्या लगा? देखो जी, मैं इनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ पुलिस का, जो कि जट रोड पर बहुत जाम लगा रहता था और जाम मुक्त कर दिया है, और ये अभियान जारी रखना चाहिए। ना ये किसी को बदतमीजी करते हैं, ना गाली गलौज करते हैं, सिर्फ जाम खुलवाते हैं, प्यार से खुलवाते हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। आप यहाँ पर आए, पहले की स्थिति क्या थी और अब की स्थिति में आपको क्या अंतर लगता है? पहले की स्थिति यहाँ जाम लगा रहता था हर टाइम, और अब जाम मुक्त कर दिया है। मैं पानीपत पुलिस का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर आप क्या कहना चाहोगे, आपको टैक्सी स्टैंड पर जो है विधायक के द्वारा भी सम्मानित किया गया, टैक्सी वर्करों के द्वारा भी इतना सम्मान मिल रहा है, और लोग आपको चाह रहे हैं कि आप यहाँ पर आओ, और अतिक्रमण जो आप जो है लगातार हटवाते जा रहे हो, जिसके कारण जो है जो जाम है वो भी जाम मुक्त पानीपत होने जा रहा है, क्या कहना चाहोगे सर आप? देखो हमारे तीन लक्ष्य हैं जी, जाम मुक्त पानीपत जी, करप्शन मुक्त पानीपत जी, और तीसरा है जो स्कूल में छुट्टियां होती है वहाँ आवारा गिरती वाले बच्चे खड़े होते हैं जी, उनको साफ करेंगे। अगला टारगेट है सर, बस यही लगातार। आप इस टाइम जो है लाइव तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है ट्रैफिक इंचार्ज सिंघम के नाम से जो है आप वो पूरे पानीपत में जो है प्रमुखता बिखोर चुके हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसे काम किए हैं ना आज तक कोई नेता कर पाया है और ना ही आज तक के जो है बड़े जो प्रभारी हैं वो कर पाए हैं, क्योंकि पहले जो है पानीपत में बहुत ज़्यादा जाम रहता था जिसके कारण जो है चोरी की घटनाएँ बहुत ज़्यादा हो जाती थी, चोरी ज़्यादा होती थी। जब से ये आए हैं, जब से ये इन्होंने जो है अपनी पड़ताल शुरू की, और मैं आपको बता दूं 9 जने और हैं, 9 ट्रैफिक पुलिस और हैं इनके साथ जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप इनकी, इन्होंने जैसे आपको बताया ही कि इनके तीन ही लक्ष्य हैं कि जाम मुक्त जो है पानीपत होना चाहिए, और जो गुंडागर्दी लोग फैलाते हैं गुंडागर्दी मुक्त भी होना चाहिए पानीपत। आप देख पा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की टीम जो है लगातार जो है जाम हटवाती जा रही है। आप इस टाइम लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं संजय चौक से, जहां पर जो है ये पुलिस प्रशासन यहां पर मौजूद हुआ है, ट्रैफिक पुलिस मौजूद हुई है, और यहां पर देख सकते हैं आप आसपास की जो बाइकें हैं उसको हटवा रही हैं, जिसके कारण जो है जाम की स्थिति यहां पर ना हो। आप इस टाइम लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, और ऐसे पुलिस वाले जो है हर जगह पर होने चाहिए ताकि चोरी की घटनाएँ और जो एक्सीडेंट होते रहते हैं, क्योंकि जाम के कारण ही आप सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी होते हैं, और एक्सीडेंट इसी कारण से जो है घटनाएँ कम होने लग जाएंगी। आप इस टाइम लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, और काफ़ी लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हैं, और जिन्होंने आज इनको सम्मानित किया है जी हाँ, और मैं आपको बता दूं कि आज सुबह ही जो है ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा जी के द्वारा जो है इनको सम्मानित भी किया गया, और एसपी के जो है सख्त निर्देश भी इनको दिए गए हैं कि आप जो है जाम मुक्त करवाएं पूरा पानीपत। और आप देख सकते हैं काफ़ी जो है यहाँ पर पुलिस प्रशासन, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस है, वो यहाँ पर जो है लगातार पानीपत के अंदर घूम रही है, और जाम मुक्त पानीपत, जी हाँ जाम मुक्त पानीपत करवाएंगी। और देख सकते हैं, और यहाँ पर जो भी हैं देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टॉलें लगी हुई हैं, मैं आपको बता दूँ ये दुकानें हैं, क्योंकि काफ़ी दुकानें जो है ये बाहर से जो है काफ़ी जगह इन्होंने ले ली होती है, जिसके कारण जो है जाम की स्थिति ज़्यादा बदतर हो जाती है, जिसके कारण आप देख सकते हैं दुकानदारों को भी कह रहे हैं कि पीछे करिए। और देख सकते हैं यहाँ पर जो है आज यहाँ पर उपस्थित हुए ज़्यादा बाइकें जो दुकान के बाहर लगी रहती थी उसको भी हटवा रहे हैं, पीछे खड़े हैं जी, एक-एक बोलो, एक नंबर के अमरेली वाले हैं, हमारे को कोई दुख नहीं दिया, कभी ने ये कहा एक ही बारी पीछे कर लो, प्यार से कहता हूँ मैं दोबारा नहीं कहूँगा कभी जिंदगी में, नहीं तीन बार आया तीनों बार रेडी वाला कोई भी हो सबको एक समान समझ रखा है, यानी कि रेडी वाला भी है ये वो भी है, सब एक सब बच्चे हैं इनके लिए, इनके जैसा आदमी नहीं है, कभी गलत नहीं बोला इन्होंने किसी को भी, ज्यादा बिकता था थोड़ा बिक रहा है, इसी में खुश है जी, खुश है कार्रवाई से, खुश है, खुश है जी, बहुत खुश है जी, बहुत ज्यादा, किसी प्रकार का मैं कह रहा हूँ जी, किसी प्रकार का हमें कोई झेलना नहीं पड़ रहा, झेलना उन बड़े वालों को पड़ेगा जो गाड़ियां यहाँ खड़ी करके बीच में सामने ठेके पे दारू लेने जाते हैं, सड़क पे भी गाड़ी खड़ी करते हैं लोग,
रेडी वाले नहीं खड़ी करते। अच्छा, सिंगम साहब अभी यहीं पर खड़े थे, काफी खुश हुए आपने जो कहा। होएंगे सर, तारीफ करेंगे तो खुशी होएंगे। अच्छा, आप वो जा चुके हैं, अब कुछ आप बोलना चाहेंगे? बस बस बोल दे, क्या बोलना, पीछे भी अच्छाई है और आगे भी अच्छाई है जी। बंदे सही है जी, बस जी। उनका नाम है सिंगम, सिंगम, सिंगम। जो है लाइव तस्वीरों में देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखा दूं, जो सड़क पे जो है बाइकें खड़ी हुई थी उसके जो है चालान काट दिए गए हैं। आप इस टाइम जो है लाइव तस्वीरों में देख पा रहे हैं, पानीपत की चालान ब्रांच के द्वारा जो है उनके चालान काट दिए गए हैं, देख सकते हैं। क्योंकि यहां पर बाइकें होने के कारण जो है जाम काफी बढ़ जाता था, जिसके कारण जो है दुर्घटना के कारण भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते थे। और देख सकते हैं यहाँ पर जो है हर बाइकों के जो है चालान काट दिए गए हैं, आप इस टाइम लाइव तस्वीरों में देख पा रहे हैं। बहुत अच्छा अभियान चला सिंगम भाई साहब ने, और हरियाणा पुलिस का मैं बहुत धन्यवादी हूँ, जो कि जाटल रोड पर इतना बुरा हाल था, इतना जाम था कि वह आज जाम मुक्त करा दिया है। सर, पहले क्या कुछ रहा करता? पहले बहुत जाम लगता था जी, और अब बहुत बिल्कुल खुला है, चाहे यहाँ 10 गाड़ियाँ आ जाए, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। देख सकते हो आप यहाँ पर जो सिंगम है उनकी पूरी टीमें यहाँ पर मौजूद है, और आप इस टाइम लाइव तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि पूरी टीम के साथ जो है सिंगम यहाँ पर मौजूद है। अब इस टाइम देख पा रहे हैं लाइव तस्वीरें, तो इसको जो है साथ के साथ शेयर अवश्य करें। सबके सहयोग से काम होता है। अच्छा, आज यहाँ यो जो ठेके के साइड में जो बाढ़ने लग रहा था वेद कब्जा, जो फिलहाल जो है आपने हटवाया है, किंगा किंगा ही बटवाओगे क्या? पूरे पानी मत से हटवाएंगे, पूरे पानी को इनके साथ, इनके साथ। इस टाइम लाइव तस्वीरें देख पा रहे हो, देख सकते हैं पूरी टीम यहाँ पर इनके साथ जो है पहुंची है, और यहाँ पर जो है जाम मुक्त पानीपत बनाने का जो है ये काम कर रहे हैं, और आप इस टाइम लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। फायदा है। अच्छा, कुछ चालान भी काटे गए हैं, बाइक पर टंगे हुए हैं चालान की पर्ची। हाँ, ये वो यहाँ पर किस चीज के है भाई साहब? यहाँ पे ये पर्चियाँ नीचे, यहाँ पे भाई साहब, यहाँ पे है कैसा लग रहा है चालान नहीं, किस बात का ये? ये आपने बाइक अवैध रूप से खड़ी की हुई है, अतिक्रमण उन्हें क्यों नहीं रोक देवे? उन पर भी अब कार्रवाई की जाएगी। कौन सी कभी हमने कार्रवाई? अभी वो कार्रवाई करने के ये बीजेपी के हुए है, आपका आरोप है। हाँ। अच्छा, आपकी बाइक नहीं, एक बार बताओ, नहीं ये कोठड़ी बना दी। सुनिए, ये चालान काटा जा चुका, उसके बाद इसका काट दिया। अब तक आपको कोई समस्या नहीं थी? इसका काट दिया गए, इसका ये मकान बना दिया ना, ये अतिक्रमण भी हटवाया गया। कद हटवा दिया? अभी वो कार्रवाई के लिए ही आए थे। कद आओगे आप? ये बताइए आप कद आओगे भाई साहब? ये देखो सामने, ये आपकी बाइक ठीक खड़ी है? नहीं, दिखाओ तो आप उनको। नहीं, मैं दिखाऊंगा आपको। आप बताइए कि आपका चालान काटा गया है? ये है मेरे पास, वो तो इससे आपको आपत्ति है कि ये आपत्ति है? ये गलत काटा गया। क्यों क्यों काटे भाई? नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, आपके अनुसार ये गलत काटा गया? क्यों काटे? नू तो बता ये गया। आपके साथ खड़ी बाइक का काटा गया है? आपके साथ में खड़ी बाइक का काटा गया है? क्या? मैं तो 2 घंटे से खड़ा हूँ। तो 2 घंटे से आपकी बाइक यहाँ पर खड़ी है? हाँ, यही खड़ी है मेरी। उसके बाद इसका चालान काट दिया। हाँ। आपके साथ अन्य बाइकों का भी चालान काटा गया है? इसका दिन दो है का वैसे? नहीं, एक और यहाँ पे। सर, क्या कहना चाहोगे, जैसे आजकल जो है पानीपत में जो चोरियां हो रही थी लगातार, अतिक्रमण की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, और अब जब से सिंघम, जी हाँ, जो सिंघम के नाम से जो मतलब बोला जा रहा है जिनको, क्या कहना चाहोगे सर, कुछ बदलाव आया है पहले और अब के समय में? बहुत बड़ा बदलाव आया है। एक हेड कांस्टेबल आशीष नाम का जो मुलाजिम है पुलिस का, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। एक राइडर पे, एक सिंगल आदमी ने एक सिंगल राइडर पे वो काम कर दिखाया जो नगर निगम के 50 लोग नहीं कर सके। पूरा नगर निगम का अमला, अधिकारियों की जीप, पीछे दो दो ट्रॉलियाँ, 50-50 कर्मचारी जो काम नहीं कर सके, बड़े लाड प्यार से सबको समझा के। आप देख ही रहे हो कि पहले दिन एक राइडर थी, फिर दो हुई, कल मैं किसी मीडिया चैनल पे देख रहा था लगभग 8-10 मोटरसाइकिल के साथ में पूरा काफिला चल रहा था। थोड़े दिन पहले, 3-4 दिन पहले की बात है, तहसील कैंप की तरफ जाना हुआ तो वहाँ पे वो उस तहसील कैंप वाली जो मेन रोड है, जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते कि शायद मोटरसाइकिल पे अगर आप जा रहे हो तो उस मोटरसाइकिल पे आपको 15 से 20 मिनट लगते थे, वहाँ पे ठीक 2 से 3 मिनट में पहुँच गए। तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और हम तो यही कहते हैं कि अगर अफसर चाहे, अधिकारी चाहे, कर्मचारी चाहे, तो सुधार कहाँ नहीं आ सकता। जी बिल्कुल, तो आप क्या कहना चाहेंगे, पहले जो चोरी की वारदात थी जैसे चेन स्नैचिंग? बिल्कुल है, बिल्कुल बहुत फर्क पड़ता है। पुलिस की जो मौजूदगी होती है बाजार के अंदर, महिलाएं बच्चियां जो बाजार में आती हैं, छेड़छाड़ की घटनाएं कि लगातार राइडर अगर राउंड यहाँ से मार रही है, सायरन मारते जाता है, तो उसके अंदर सामने वाला भी अपने आप को एक सुरक्षित महसूस करता है। और इसकी एक और ख़ास बात देखी हमने, आशीष जो हैं ये
बाजार के अंदर जैसे भी कोई 3-4 लड़के आवारा किस्म के लड़के घूम रहे होते हैं, या फिर कोई महिलाओं की एक टोली घूम रही है, या इस तरीके की कोई भी जो लोग होते हैं, तो जैसे इसकी निगाह पड़ती है उनके पीछे करके उनको बाजार से बाहर करते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहा है जी। जी देखिए, कई जो दुकानदार हैं इनको जो है ये भी कह रहे हैं कि ये मतलब ऐसे ही कर रहे हैं या पैसे लूटने के लिए कर रहे हैं, दुखी नहीं, नहीं नहीं नहीं, कोई दुखी नहीं कर रहा। लगभग 99% मैं कहूँगा लोग राजी हैं इस चीज़ से कि आप बाजार की स्थितियाँ इस समय खुद ही देख रहे हैं। आप भी मीडिया से हैं, आप भी सारे बाजारों के हालात देख के आ रहे होंगे और लोगों से भी आपकी बात हो रही होगी। बहुत अच्छा काम कर रहा है। और रहेगी बात 1-1% तो भगवान से भी 100% कोई खुश नहीं है।